मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातीय भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातियों समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करती हूं कि 24,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मिशन अमृतकाल के दौरान विकास की धारा से जन जन को जोड़ेगा और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए विशेष रूप से साधुवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और निरंतर प्रयासों से पिछले 10 वर्षों से जनजातीय समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी वंचित समुदायों को वरीयता देने का सशक्त कार्य किया गया है। मैं जनजातीय समुदाय के विकास तथा इस महाअभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।